हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर श्री होम ट्रेडिशंस। आज मैं और एक नया पैटर्न सूट का बनाने जा रही हूँ। एक कपड़ा क्रेप सिल्क कपड़ा है, तो इसके लिए मैं गोल्ड कलर से प्रिंट करना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं ये पीकॉक वाला ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ एक फ्लावर ब्लॉक भी यूज़ करूँगी। ये दोनों के साथ हम एक यूनिक पैटर्न बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और स्पॉन्ज के साथ मैं ले रही हूँ गोल्ड पेस्ट, रेडी टू यूज़ पेस्ट होता है। इसके लिए मैंने 2 स्पून ऑफ पेस्ट के लिए 14 ड्रॉप्स फिक्सर मिक्स कर दी और थोड़ा लेज़र 4000 मतलब आधा चम्मच मिक्स कर लिया है। अगर उसको लूज बनाना है तो लिक्विड मीडियम भी हमको मिक्स करना पड़ता है, ज़रूरत पड़े तो ही हमें उस लिक्विड मीडियम को ऐड करना है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स यूज़ करके ना हम कई तरह के डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। सिर्फ हमें कुछ क्रिएटिव माइंड चाहिए बस। आप जो भी पैटर्न बनाने चाहते हैं ना, उसके लिए आप मार्किंग कर लीजिए। टाइलरिंग चॉक पीस होता है ना, उससे मार्किंग कर लीजिए। वो तो यूं ही मिट जाता है बाद में। मार्किंग करने से आपको आसान होता है, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे कहाँ कहाँ पैटर्न बनाना है। अब तो जानते हैं नीचे हम एक बेड जैसा बनाना है। काली टेबल पर कभी भी ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं करना है। 5 to 6 layers कोई बेडशीट हो ऐसे कुछ हमें ज़रूर बिछा के उसके ऊपर ही ब्लॉक प्रिंटिंग करना है। अभी देखिए नेक का डिज़ाइन बन गया है। अब नीचे का पैटर्न भी बनाएंगे। एक बार आप पेस्ट लेंगे ब्लॉक में तो एक ही प्रिंट बनाना है। एक साथ हमने कलर लिया तो 2 प्रिंट ऐसा बनाएंगे तो बहुत डल फिनिशिंग होगा, ठीक है। तो एक बार पेस्ट लेने से एक ही प्रिंट बनता है, फिर से हमें फिर से पेस्ट लेना है। Thank you.
ब्लॉक्स को यूज़ करने से पहले उसका प्रोसेस क्या होता है हमारे वीडियोस में है, कुछ प्रोसेस होता है उसके लिए, ज़रूर उस वीडियो को आप वॉच करें। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। प्रिंटिंग के बाद हमें कपड़े को तुरंत नहीं धोना है। प्रीवियस वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ, कम से कम आपको 15 डेज का टाइम लेना है। और कमरे में ये ड्राई होने के बाद ना आप धूप में इस कपड़े को रिवर्स करके सुखा दीजिए। एटलीस्ट 4-5 आवर्स ड्राई होना है कपड़ा। बाद में इसे पीछे की साइड से ही आयरन कीजिए, मतलब इस्त्री कीजिए, हीट प्रेस दीजिए। और इसे यूज़ करना है, स्टिचिंग करना है वो तो कर सकते हैं, लेकिन धोना है तो एटलीस्ट 15 दिन आपको टाइम लेना है। एक कमरे में थोड़ा लाइटिंग की वजह से आपको इतना शाइन नहीं दिख रहा है, बाहर की लाइटिंग में परफेक्ट नज़र आता है इसका क्या लुक है। देखिए आप भी इस तरह के कई पैटर्न्स आप बना सकते हैं, मनी एर्न कर सकते हैं, घर बैठे ही आप कामकाज ये करके कुछ बिजनेस चला सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को भी दबाइए, तभी आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐसे कुछ मैं पैटर्न्स बनाती रहूँगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।